अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल देसी खाना। कैसे हैं आप सब? आज मैं मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो एक कप ऑयल मैंने इसमें डाला है, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं गर्म मसाला शामिल कर रही हूँ। गर्म मसाले में है ज़ीरा, बड़ी इलायचियाँ, दो छोटी इलायचियाँ, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और ये बे लीफ है। अब इसमें शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ प्याज। प्याज गोल्डन हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी अदरक, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसमें शामिल करूंगी मैं आलू, और इस शेप में मैंने आलू काटे हैं। तो आलू तकरीबन गल चुके हैं और फ्राई भी हो गए हैं, और अब इसमें मैं दूसरी वेजिटेबल डालूंगी। और ये वेजिटेबल मैंने दो दिन से सिरके में रखी थी, तो आप बग़ैर सिरके वाली सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं, और सब्ज़ियाँ आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई सी भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास गोभी है, शलजम, गाजरें और मूली भी है। ये सारी सब्ज़ियाँ जो है मैंने सिरके में डाल के रखी थी, तो आप बग़ैर सिरके की भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और ये है सब्ज़ मिर्चें और ये है शिमला मिर्ची। तो जितनी भी सब्ज़ियाँ आप इसमें डालेंगे वो आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। सिरके में सब्ज़ियाँ ऑलरेडी पहले गल चुकी हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। तो अब इसमें मैं इसके मसाले शामिल करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल करूंगी, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। चावल मेरे पास 1 किलो है, और उस हिसाब से मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है, बाद में चख के भी मैं डाल दूंगी। हल्दी और सुर्ख मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, मैं 1 टेबल स्पून डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने बहुत ज़्यादा डाली हैं। अब इसमें जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, और मसाले जो साबुत है वो पहले सबसे पहले हम ऐड कर चुके हैं, इस वजह से पिसा मसाला इसमें शामिल करने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें मैं पानी शामिल करूंगी। चावल और पानी मैंने शामिल कर दिया है, पानी इतना ही मैंने शामिल किया है जिसमें ये सब्ज़ियाँ और चावल डिप हो जाए। अगर मुझे बाद में ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी। पानी देख ले मैंने इसमें इतना ज़्यादा नहीं डाला, नहीं तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा गल जाएंगी। अब मैं इसको दम पे ही पकाऊंगी, 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे पकाऊंगी। पानी ड्राई हो चुका है, और अब इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी खुशबू के लिए। और अब बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको दम पर पकाऊँगी। मज़ेदार से वेजिटेबल राइस हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सा मिक्स वेजिटेबल पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देसी खाना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।